लाल किले के पीछे तेंदुआ मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। राहगीरों ने तेंदुए की सूचना डायल 100 पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी सहित वन विभाग और वर्ल्ड लाइफ एसोसिएशन की टीम भी मौके पर पहुंच गई और कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को आखिरकार कब्जे में लिया जा सका। ताज नगरी में लाल किला इमारत के पास तेंदुआ मिलने से अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तेंदुए को सड़क किनारे देखकर डायल 100 पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वन विभाग और वर्ल्ड लाइफ एसोसिएशन टीम को सूचना दी। वन विभाग और वर्ल्ड लाइफ एसोसिएशन की टीम कई घंटों देरी से पहुंची। दरअसल बताया जा रहा कि पहले भी तेंदुए ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। मिलिट्री एरिया से कई पालतू जानवरों को अपना शिकार बना चुका है। अज्ञात वाहन ने तेंदुए को टक्कर मारकर घायल कर दिया। रोड किनारे घायल अवस्था में तेंदुआ पड़ा रहा। क्या नाम है आपका? नाम विनोद कुमार। क्या निकला है आपको? चीता है। अच्छा, कितनी देर से लगभग है यहाँ पे? एक घंटे का है लगभग। यहाँ तो बहुत खतरा है यार, जन मान ले आने जाने का। यहाँ वो है ताजमहल, लाल किला वाले जो बाहर के पर्यटक आ रहे हैं उनको तो बहुत लंबा खतरा है यहाँ। क्या अभी कोई बनवा की टीम नहीं आई है? कोई टीम नहीं आई है, इनको सूचना दे रखी फिर भी अभी तक कोई टीम नहीं आ रही है। और इनको हम काबू करनी चाहिए ना। यहाँ कोई एक्सीडेंट मोटरसाइकिल हमला कर देगा, खत्म कर देगा। मैं रोड पे पड़ा हुआ है बिल्कुल। ठीक है। वही राहगीरों की माने तो पर्यटक इलाके में तेंदुआ निकलने से पर्यटकों को खतरा हो सकता है, क्योंकि यहां समय पर्यटकों के आने का रहता है। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस सब इंस्पेक्टर ने बताया कि राहगीरों ने तेंदुए की सूचना दी थी। वाइल्ड लाइफ और वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई है। भाई साहब, क्या मालूम पड़ा है, क्या लग रहा है? ये तेंदुआ लग रहा है ये देखने में। एक मिनट, एक मिनट। अरे क्या मालूम पड़ा, क्या लग रहा है? ये तेंदुआ लग रहा है। अच्छा, कितनी देर से लगभग रहा है? ये करीब ये वही सूचना 100 बजे के लगभग की है। अच्छा, 100 बजे के लगभग। क्या सूचना आई थी? ये सूचना आई थी कि एक चीता जो है यमुना किनारे जो है किले के पास में घायल अवस्था में पड़ा है। अच्छा, इस सूचना पे हम सभी लोग आ गए यहाँ पे। देखा जो है वो पड़ा था, जो है वो चढ़ने का प्रयास कर रहा था, लेकिन पिछला हिस्सा उसका डैमेज है जिसकी वजह से चढ़ नहीं पा रहा था। किसी को हमला तो करा? किसी को नहीं। उसे मुझे हमला तो लगता कोई नहीं किया, क्योंकि आसपास हम लोगों ने देखा भी, जानकारी भी की, तो कोई ऐसा नहीं मालूम हुआ। लेकिन किसी गाड़ी ने शायद इसको टक्कर मार दी है। किस जगह पे निकला है, क्या पॉइंट है? ये किले के पास में है, यमुना किनारा। वन विभाग की टीम आ गई है क्या? वन विभाग की टीम को सूचना कर दी गई थी, वो लोग उनको कई बार संपर्क किया गया, वो आ रहे हैं वो लोग। मौके पर पहुंचे डीएफओ मनीष मित्तल ने बताया 2 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को पकड़ा जा सका, जिसमें पुलिस का काफी सहयोग रहा और डीएम आज फिर से पूरा मामला कॉन्डिनेट किया गया। सर, कौन सा जानवर था जी? ये तेंदुआ है। कितनी लगभग इसमें ओपन चला है आपका? कितनी देर तक इसमें ओपन चला है आपका? ये अभियान हम लोगों का करीब 2 घंटे के आसपास का चला है। 1:30 बजे के आसपास प्रारंभिक सूचना आई थी कि इस तेंदुआ यहाँ पे देखा गया है, और इसमें हमारे पुलिस विभाग का बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने सबसे पहले स्पॉट करके इसको सूचना दी, और फिर डीएम ऑफिस से पूरा इसको कोऑर्डिनेट कराया गया, और वाइल्ड लाइफ एसओएस की मदद से इसको जो है ट्रैंकुलाइज करके ट्रैप किया गया है। लगभग सर पर्यटक की आगरा पर्यटक की नगरी है, रहायशी इलाका है, उससे पहले जानवरों को भी खा चुका है, डॉग वगैरह को खा चुका है, शिकायत मिल रही थी, उसके बाद भी कोई ऑपरेशन चला था उसके बाद? नहीं, उसके लिए भी टीम पहले एक बार भेजी गई थी, तो वहाँ पे भी स्पॉट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा ठोस नहीं हो पाया था, और आज अब ये हुआ है, अब इसको इसलिए ट्रैंकुलाइज कर लिया गया।